भाई साहब, मैं आज आपको एक नया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। हाँ गाइज, फोर टाइप्स का एयर स्ट्रैटेजी आपको कैसे यूज करना है टर्न हो 11 पे, मैं आपको फुल गाइड देने वाला हूँ। हाँ गाइज, हमारा क्लास ऑफ क्लैन आज एक मेंटेनेंस ब्रेक गया था क्योंकि बिल्डर बस का अपडेट आ चुका है, उसलिए एक इवेंट ही आया था। ठीक है गाइज। हाँ गाइज, आपको और कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना ही दूंगा। तो चलेगा जी, आर्म के ऊपर हम देखते हैं। ठीक है, फोर आर्क लेना है कि वॉल ब्रेकर। ठीक है, फोर लेना है आपको बैलून्स, फोर लेना है आपको ड्रैगन, दो बेबी ड्रैगन, फोर इलेट ड्रैगन और फोर मिनियन। ठीक है गाइज, थ्री रेस्पेल आपको लेना है, दो फ्री स्पेल और तीन बैट स्पेल और दो बैट स्पेल, टोटल मिलकर आपको पाँच बैट स्पेल लेना है। ठीक है, आपको सीसी के अंदर लेना है, कुछ टो स्लम लेना है सीसी के अंदर, एक लीटर ड्रैगन और एक बैलून्स। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज इस अटैक को हम शुरू करते हैं। तो गाइज, ये रहा था हमारा पहला बैच। ठीक है, दो मिनट से पहले हमने कर दी थ्री स्टार। ठीक है, यहाँ पे वॉल ब्रेकर आ गया, पीछे से हम किंग को डिप्ले करेंगे, उसके बाद क्वीन को और दो साइड फाइनल के लिए बेबी ड्रैगन हमको डालना है। ठीक है, क्या क्वीन अंदर जा पाएगा? नहीं जाएगा लगता है। नहीं गया, कोई बात नहीं, किंग अंदर गया है, बस देखते हैं एबिलिटी अभी लग जाएगा किंग का ऑटोमेटिकली। क्वीन अंदर जाता तो ईगल को टेक डाउन कर सकता, लेकिन नहीं गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे फाइनल को क्लियर कर रहा है, बेबी ड्रैगन जा रहा है उस साइड में, देखते हैं क्या होता है। किंग अभी टेक डाउन हो जाएगा हमारा, बेबी ड्रैगन यहाँ से फाइनल क्लियर कर रहा है। यहाँ पे ड्रैगन हम डिप्लॉय करते चारों ड्रैगन और चारों बैलून्स और फोर इलेक्ट्रिक ड्रैगन। ठीक है, स्टोन से हमारे पीछे से आ गया बुढ़िया के पीछे से, क्योंकि हमको इस साइड से जाके ईगल को हमको टेक डाउन करना है। रेस्पेल लेकर आ गया और बूटे का हमने एबिलिटी दे दी वहाँ पे, क्योंकि दो दो एयर डिफरेंस था इसलिए देना बहुत ज़रूरी है आपको, एयर डिफरेंस दोनों ही था और एक रह जाएगा, क्योंकि फटाफट हमको एयर डिफरेंस को क्लियर करना है। ठीक है, आपको याद रखना है जहाँ पे एयर डिफरेंस होगा वहाँ पे आपको रेस ड्रॉप कर देना है, क्योंकि फटाफट आपको डिफरेंस को क्लियर करना है। ठीक है, सीसी हमारा फूट चुका है, इलेक्ट्रिकल निकल चुका है, अभी देखते हैं सिंगल इनपुट बहुत जल्दी से जल्दी लग जाए। सार के सार बैट से साइड ड्रॉप कर दी, क्योंकि ये गलत था इसलिए हमको जल्दी से डालना पड़ा वहाँ पे, नहीं तो हमारा कुछ चिलेट जान वहाँ पे मर जाते, कोई बात नहीं। अच्छा खासा नाइस बेस में अच्छा खासा वैल्यू निकला, इस अटैक बहुत अच्छा है गाइज, जो नया अटैक है आपको कोई भी आज तक नहीं बताया होगा गाइज, कोई भी आपको बताया नहीं होगा। बैट्स ज़्यादा नहीं बचे हैं, कोई बात नहीं, और एक फ्री स्पेल वहाँ पे आ गया, क्योंकि हमको जल्दी क्लियर करना है इसलिए हमको फ्री स्पेल ना डालना पड़ा। ठीक है, फोर मिनियंस हमने डिप्ले कर दी साइड में, क्योंकि फाइनल को क्लियर करना है हमको, जल्दी से जल्दी हमको थ्री स्टार करना है। ठीक है गाइज, जल्दी करोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है गाइज, तो गाइज ये लो हो गया हमारा पहला बेस में थ्री स्टार। ठीक है गाइज, गाइज ये रहा हमारा अगली बेस। ठीक है, एयर डिफेंस फुल्ली मैक्स है, दो मिनट 13 सेकंड लगा, कोई बात नहीं। ये वॉल ब्रेकर हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी, क्योंकि वॉल तोड़ना है, क्वीन को इस साइड से डिप्लॉय कर दी क्योंकि एयर डिफेंस को क्लियर करना है, और इस साइड में क्वीन को, क्योंकि इस साइड में भी एयर डिफेंस को हमको क्लियर करना है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, वहाँ पे एयर डिफेंस को टेक डाउन करेगा हमारा किंग, बहुत बढ़िया कर दिया, इस साइड में क्वीन भी कर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा वैल्यू निकला है इसके अंदर। यहाँ पे एक लीटर हमने डिप्लॉय कर दी साइड में, क्योंकि इस साइड से हमको डालकर यहाँ से ईगल हमको क्लियर करना है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे करना है, आपका इजीली हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी, आप जो ये अटैक करके जो वर्क में देखेंगे भाई, वो बोलेंगे भाई क्या ही प्रो बंदे भाई, सार के सारे हमने ड्रैगन और बैलून रिली ड्रैगन स्टोन सामने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया एक साथ में, और पूछे से बूढ़े आ गया। ठीक है, लगता है वहाँ पे रह जाएगा, हाँ रेज भी आ गया, क्योंकि फटाफट हमको ईगल को क्लियर करना है और बूढ़े का ऑलरेडी वहाँ पर दे दी, क्योंकि सिंगल इनपो और एक्सपो वहाँ पे मार रहा था और एक रेज आ गया, क्योंकि हमको गैज फटाफट क्लियर करना है, मैं आपको बोला ही था। ठीक है, मिल जा, बहुत बढ़िया, ईगल टेक डाउन हो गया और एक रेज पर हमारा से बचा है, ठीक टाइम पे ही हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, स्टोन से हमारा अभी फूट जाएगा लगता है, फूट गया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, अच्छा खासा वैल्यू निकला है इसके अंदर, बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। और एक लीटर मर गया, कोई बात नहीं, और चला गया और क्रेजी गया वहाँ पर, क्योंकि फटाफट एयर डिफेंस है हमको क्लियर करना था इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, अरे यार यहाँ पे बैट्स पर पहले हमको डालना था, गलती से हाथ से लग गया प्रेस पर, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको सारे सारे बैट्स को ड्रॉप कर देना है, कोई बात नहीं, थ्री स्टार ही हो जाएगा इस बैच में, कोई भी आपको दिक्कत वाला नहीं होगा, आपको बस ध्यान से भाई बैट्स डालना है, मेरे से फ्रीज नहीं डालोगे भाई, डालोगे तो नहीं तो इतना टाइम लगा, नहीं तो थोड़ा जल्दी हो जाता। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बस एयर डिफेंस आर के सर देखिए क्लियर हो चुका है बी एस सी इस साइड में, और ईगल पगल सब कुछ भी क्लियर हो चुका है, बस ये बस कुछ बचा है फाइनल। ठीक है, एक हमारा दो बच्चा है ड्रैगन और एक इलेक्ट्रिक हमारा बच्चा है, और बैट्स कुछ बचे हैं मिनियंस इस साइड में डिप्लो के थे क्योंकि फटाफट हमको क्लियर करना है। कोई बात नहीं, बैट्स कुछ बच ही जाएंगे। तो गाइज लो ये हो गया हमारा अगली बेस में 3 स्टार। ठीक है गाइज, तो गाइज ये रहा हमारा लास्ट बेस। ठीक है, मैं बस 3 ही आपको बेस अटैक दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। पहले आपको किंग को डिप्लो कर देना है और एक वॉल कर, क्योंकि वॉल तोड़ेगा, उसके बाद क्वीन को डिप्लो कर देना है। देखते हैं क्या होता है उस साइड में, फाइनल क्लियर होने दो पहले हमको, उसको इनको भी हमको टेक डाउन करना है। आप रेडी फटाफट दे दी क्योंकि उसको इनको टेक डाउन करना था बहुत जल्दी। ठीक है, टेक डाउन हो गया, बहुत बढ़िया। किंग आप रेडी ऑटोमेटिक लग जाएगा, अभी लगता है हाँ लग गया क्योंकि ज़्यादा स्पीड नहीं बचा था इसलिए ऑटोमेटिकली लगेगा। डिफरेंस मिल पाएगा, ये मिल जाएगा भाई, क्या ही बोलूँ, मिल गया, बहुत बढ़िया, एक ही मिला, कोई बात नहीं, और कुछ नहीं मिल पाएगा, कोई दिक्कत वाला नहीं है। देखते हैं हम कहाँ से आर्मी को स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने एक एक लीटर अंडा डाल दिया फाइनल के लिए, और इस साइड में क्योंकि इस साइड में हमको क्लियर करना है। ठीक है गाइस, सार के सारे ड्रैगन हम डिप्लॉय कर दिया, और उसके बाद बेलून्स को और 2 लीटर हम पीछे डिप्लॉय कर दिया। स्टोन टाउन पीछे से आ गया, बूढ़े भी आ गया पीछे से, यहाँ पर एयर जा गया क्योंकि एयर डिफेंस था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर डालने, और इस साइड में ये आ गया क्योंकि एयर डिफेंस और एक एक्सबो है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमको वहाँ पर डिप्लो करने में। बूटे का अपडेट दे दी वहाँ पे क्योंकि सिंगल इनपो मार रहा था, और एक रह जाएगा वहाँ पे क्योंकि ई गल को हमको फटाफट से क्लियर करना है। ठीक है कैच, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा काम कर रहा है इसके अंदर। ई गल भी अब टेक डाउन हो जाएगा, टेक डाउन हो भी गया, बस टाउन हॉल बचा है और मल्टी एक बचा है, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या होता है, हम स्टोन साउंड वहाँ पर फूट गया, इलेक्ट्रिक नाम लिए थे यहाँ पर, सार के सर बैट्स को हम ड्रॉप कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रिक यहाँ पर लगता है मरी जाएगा, और एक वहाँ पर फ्रीज हो गया क्योंकि उज द टावर था गाइज, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है आपको वहाँ पे डिप्लॉय करने। ठीक है, सारे सारे मिनियन साइड हम डिप्लॉय कर दी क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी फाइनल को क्लियर कभी करना है बस। ठीक है गाइज, बेस भी पूरा क्लियर हो चुका है, बैट से हमारा मर गया वहाँ पे, कोई बात नहीं, बूढ़ा भी मर गया, एयर बॉम्ब था इसलिए मर गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे मिनियन कुछ क्लियर कर रहे हैं देखिए, और एक एक्चर भी बचा है, वाल को तोड़ फूट रहा है, और 2 ड्रैगन बचा है, कोई बात नहीं। सार के सारे तो डिफरेंस भाई गैज क्लियर तो हो गया, और फाइनल क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा गैज, ये भी हो गया, लो फाइनल क्लियर भी हो गया, बहुत बढ़िया, 2 ड्रैगन बचे, कोई बात नहीं। तो भाई लो ये हो गया हमारा लास्ट बेस में 3 स्टार। ठीक है, तो गैज वीडियो जोर से लाइक करना क्योंकि एक नया स्टार्टिंग आपको कोई भी नहीं बताया ना होगा। ठीक है, जब आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, वही वीडियो देख कर चले जाते हो। ठीक है गाइज, हाँ गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं टाउन हॉल 12 का भी रोज स्ट्रैटेजी लेके आता हूँ 5:30 बजे, आपको चाहिए तो वो आपको देख सकते हो। ठीक है, तो चले गाइज, आज के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।